जीवाणा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन संपन्न। जीवाणा के मां बायोसा मंदिर प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का शनिवार को समापन हुआ। सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि विकास अधिकारी मनमोहन मीणा ने भारतीय संस्कृति और शिक्षा की महत्ता एवं वर्तमान में शिक्षा में भारतीय मूल्यों के ह्रास के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हुए शिक्षकों से हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को संजोए रखने तथा उसमें भारतीयता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। जीवाणा उप तहसीलदार फतेह सिंह महेशा ने शिक्षकों से अधिकारों के साथ कर्तव्य का दायित्व बोध करवाते हुए पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करवाने का आह्वान किया। प्रदेश पर्यवेक्षक रूपाराम रलिया ने संगठन की ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक की शिक्षक खेती की गतिविधियों से अवगत करवाते हुए सभी को इस संगठन में सबकी भागीदारी निभाने की अपील की। सम्मेलन संयोजक हीर सिंह सिराणा ने शिक्षक समस्या से के लिए सदैव तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने शिक्षकों से शैक्षिक गतिविधियों में सदैव सक्रिय भागीदारी निभाने की बात कही। बैंक एडवाइजर दीपक प्रजापत ने बैंक से हो रहे फ्रॉड को ध्यान में रखने को लेकर विस्तार से जानकारी दी। जिला संरक्षण मदन सिंह राठौड़ ने संगठन की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करते हुए शिक्षक सदस्यों को सदैव सक्रिय भागीदारी निभाने में सहयोग की अपील की। इस दौरान खुला सत्र का आयोजन हुआ जिसमें शिक्षकों ने अपनी बात रखी। इस दौरान श्रीराम शर्मा, देवकी लोमरोड, नेमाराम चौधरी, पंकज दवे, जगदीश सेन, विक्रम सिंह सिराणा, निशा रामचंद्र द्विवेदी, रामनिवास विष्णोई, सगरनाथ गोस्वामी, प्रमोद भारती, निर्मा विष्णोई, शिव कुमार जाट, पार्समल भाटी, रमेश कुमार, गुमान सिंह शेखावत, बाबू सिंह, तेजाराम देवासी, बिकाराम, मादाराम चौधरी, रमेश राजपूत, बाबूलाल सेन सहित कई शिक्षकगण मौजूद रहे। वहीं मतदान की शपथ भी दिलाई गई। नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।